आज की फिल्म शुरू होती है अन्या नाम की एक लड़की के साथ, जो वजन बढ़ने से जूझ रही है और इसके कारण उसके बॉयफ्रेंड जेन्या के साथ उसके रिश्ते खराब हो रही है, जो एक एथलेटिक छवि को मेंटेन कर रहा है और वो तो बहुत ज्यादा खाने से उसको रोकने के लिए हर बार कोशिश करता है, लेकिन यह कभी सफल नहीं होता है। एक दिन अन्या और जेन्या एक शादी में जाने के लिए तैयार हो रहा है, तब अन्या कुछ ड्रेस ट्राई करती है लेकिन जो भी नहीं होता। तब उसे पता चलता है कि वो पहले की तुलना में बहुत ज्यादा मोटी हो गई है और अब केवल एक ड्रेस उसे फिट लगती है और वह पहन के बाहर आती है। इसे देखकर जेन्या की शक्ल से नाखुश लगता है और वो जल्दी से उसके साथ न जाने का बहाना बनाता है और इसलिए अन्या घर पर ही रहती है। बाद में वो अपने सोशल मीडिया देखने शुरू करती है, तब वो एक फोटो देखती है। उस फोटो में जेन्या ने एक महिला के साथ अपना पार्टी एंजॉय कर रहा होता है। इसको देखकर अन्या गुस्सा हो जाती है। बाद में वो खुद शादी में जाने का फैसला करती है और रास्ते में वो अपनी सबसे अच्छी दोस्त नताशा से मिलती है और उसे सब कुछ बताती है। तब नताशा ने उसे वहां ले जाने की पेशकश करती है। जब वह शादी में जाते हैं तब अन्या ने जेन्या को उस महिला से डांस करते हुए देखती है और वो उनके बीच आती है और साथ ही डांस करने लगती है और जेन्या को शर्मिंदा महसूस करने लगता है। और उसके बाद बुफे में वो भारी मात्रा में खाना खा रही है और इसे देखकर जेन्या को अजीब लगता है और उसे बताता है कि मैं तुमसे अपने रिलेशनशिप के बारे में बात करना है। तब वो सोचता है कि अगर उसे ब्रेकअप हो गया तो अच्छा लगेगा और अन्या के लिए इसे और भी बदतर बनाने के लिए दूल्हा और दुल्हन उसकी बातचीत में शामिल हो जाते हैं और वो मानता है कि अन्या प्रेग्नेंट है, दिखने में प्रेग्नेंट लगती है। तब अन्या शादी से रोते हुए चली जाती है और बाद में वो अपनी माँ के घर पर जाती है और वो अपनी माँ को बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़ रहा है और उसकी माँ उसे कम्फर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो अकेला महसूस करती है क्योंकि उसकी माँ अपने सौतेले पिता के साथ रह रही है। और बाद में वो नताशा के घर जाने का फैसला करती है। अगली सुबह अन्या नताशा से मिलती है। वो उसे कहती है कि उसे जेन्या को वापस जीतने के लिए अपना वजन कम करने की जरूरत है। तब नताशा उसे सलाह देती है कि वो पहले इसे अपने लिए करने की कोशिश कर और फिर जिम जाने का सुझाव देती है और उसके बाद वह जिम में ज्यादा से ज्यादा वर्कआउट करना शुरू कर देती है, लेकिन जिससे वह थक जाती है, इसलिए वह एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट में जाती है जहां नताशा काम करती है। और जब नताशा ने उसे एक टेबल पर खाना खाते हुए देखती है, तब वह उसकी खाना लेती है और एक डस्टबिन में फेंक देती है और वो गुस्से में कहती है कि वो उसे जंक फूड खाने से रोकेगी ताकि वो अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। बाद में वो नताशा के घर पर आधी रात खाना खाने की कोशिश करती है क्योंकि वो भूखी है और उसे खाने के लिए कुछ मिला नहीं है। हालांकि तब नताशा ने उसे पकड़ लेती है और वो खाली पेट सो जाती है। अगले दिन अन्या एक बेकरी में काम कर रही है जहां वो हर समय खाने के लिए कोई कमी नहीं है और वो अपने आप को खाने से कंट्रोल करने के लिए कोशिश करती है, लेकिन फिर भी उसकी भूख जीत जाती है और वो अकेले ही एक पूरा केक खा जाती है। इसके बाद वो डिसाइड करती है कि अपने आप को चेंज करने की बात। जब वो घर वापस आती है तो उसे एक ऑनलाइन स्पोर्ट ग्रुप मिल जाता है। इस स्पोर्ट ग्रुप में महिलाएं वजन बढ़ाने के साथ अपनी कहानियों को सुना रही हैं। बाद में कोलिया नाम का एक आदमी अंदर आता है। तब वो महिलाओं को अजीब लगती है क्योंकि वो यहाँ अकेला आदमी है। तब अन्या उठती है और वहां से चली जाती है। तब कोलिया ने अन्या को फॉलो करता है और वो उसे बताता है कि उसने देखा कि उस ग्रुप में सिर्फ अन्या छोटी उम्र की लगती है और वो बताता है कि वो उसका जिम पार्टनर हो सकते हैं ताकि वो एक दूसरे को अपने गोल तक पहुंचने के लिए मोटिवेट कर सकें। और उसके कई दोस्त नहीं हैं और उसे हमेशा अपने वजन के लिए तंग किया जाता है। तब अन्या भी मान लेती है। उसके बाद अगले दिन वो अन्या के घर पर आता है और उसे एक साथ वर्कआउट करने के लिए ले जाता है, लेकिन अन्या को सार्वजनिक पार्क में वर्कआउट करने में अजीब लगती है और कोलिया ने उसे उसके कम्फर्ट जोन से बाहर निकालने में मदद करता है। बाद वो उसके साथ दौड़ने लगती है। बाद में वो पूरे दिन हेल्दी खाना और ज्यादा वर्कआउट करना शुरू कर देती है और वो अपने दिमाग को कंट्रोल में रखती है और जितना हो सके उतना जंक फूड से दूर रहती है। और उसके बाद वो धीरे धीरे अपना वजन कम करना शुरू कर देती है और जब तक कि वो अपने फाइनल गोल तक नहीं पहुंच जाती तब तक वो वर्कआउट कर रही होती है। और बाद वो एक पूल के पास रुकती है जहां जेन्या एक स्विमिंग कोच के रूप में काम करता है और अन्या को देखते ही वो शॉक हो जाता है और उसे स्विमिंग सिखाने के लिए मानता है। जब ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है तब जेन्या का नई गर्लफ्रेंड वहां आती है और उसका नाम है क्रिस्टीना। ये देखकर अन्या को फिर से दिल टूट जाता है। बाद में वो क्लब में जाकर पीना शुरू करती है और वो एक आदमी का ध्यान आकर्षित करती है और वो उसे घर ले जाना चाहता है। हालांकि अगली सुबह जब वो उठती है तो वो कोलिया के बेड पर होती है। बाद में वो उसे समझाता है कि वो उसके जाने से ठीक पहले आया था और उस लड़के से अन्या को बचाया था और आया ने नशे में थी और इसलिए उसे ये याद नहीं रहा।
बाद कोल्या ने उसे एडवाइस करता है कि अपने पास्ट के बारे में भूलना चाहिए और अपना लाइफ के बारे में फोकस करना चाहिए, और जो लोग हमसे प्यार करते हैं उनके बाजरे सोचना चाहिए। और बाद वो अपना माँ के घर जाती है और अपने माँ से अपने पिता के बारे में पूछती है, और पूछती है कि अगर कोई रास्ता है कि वो उससे कांटेक्ट कर सकती है, जिस पर उसकी माँ जवाब देती है कि वो उसके साथ कुछ नहीं करना चाहता। और अन्या ने बहुत समझाने के बाद उसकी माँ ने आखिरकार उसे उसका कांटेक्ट नंबर देती है। बाद में अन्या उसे डायल करती है और अपना परिचय देती है। उसके पिता तुरंत उसे पहचान लेते हैं और वो पूछता है कि क्या वो उसे देख सकता है। और बाद में अन्या ने उसे मिलने जाती है, और जाने से पहले वो अपने पिता की पुरानी जैकेट पाती है जिसे उन्होंने छोड़ा था, और उसे वापस देने का फैसला करती। उसके बाद अन्या फिर नताशा के घर से अपना सामान पैक करने के लिए आगे बढ़ती है, और कोल्या उसे उसके पिता के पास ले जाने के लिए उसके साथ जाता है, और वो अपने रोड ट्रिप में काफ़ी अच्छी तरह से मिल जाते हैं। जब वह उसके पिता के घर जाते हैं, उसे उस तरह का वेलकम नहीं मिलता है जैसा वो सोच रही थी, और वो अपने काम पे बिजी होता है और वो अन्या की तरह ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। तब वो उसे उसकी जैकेट वापस दे देती है, लेकिन उनसे किसी भी तरह की खुशी नहीं दिखती है, और अन्या ने उसके साथ बॉन्डिंग करने की पूरी कोशिश कर रही है, जब तक कि वो रात में सोना का उपयोग करने की कोशिश करती है, और जिसके कारण वो लगभग जल जाती है। फिर भी उसके पिता उसकी परवाह नहीं करते हैं और बर्बाद सोना के बारे में अधिक परवाह करते हैं। इसे देखकर कोल्या गुस्सा हो जाता है और उसके पिता से चिल्लाता है और कहता है कि वो अपने पिता को जानने के लिए यहाँ आई थी, लेकिन आप इसके लायक नहीं है। और इसके बाद अन्या और कोल्या वहाँ से चले जाते हैं और सीधा अपनी माँ के घर वापस आ जाते हैं। जब वो आ रहा होता है तब कोल्या उसे अपने कपड़े देता है, क्योंकि वो बिना कपड़े बदले चले गए थे, और बताता है कि इस कपड़े को उसे अगली बार देखने तक रखने के लिए कहता है। उसके बाद जब वो घर वापस जा रहा होता है तब वो सड़क के किनारे एक छोटे से ग्रुप को फूल बेचते हुए देखता है, और कोल्या सोचता है कि कुछ फूल लेके अन्या को प्रपोज करने की, और वो अन्या के घर वापस जाता है और वो देखता है कि अन्या के घर पर वह झेन्या आ गया है, और अन्या को इम्प्रेस करने के लिए कोशिश करने के लिए वो फूलों के साथ आया है। बाद में वो आसानी से अपनी बातों से अन्या को इम्प्रेस कर देता है और वो दोनों एक साथ हो जाते हैं, और बाद में दोनों इंटीमेट होना शुरू करते हैं। और ये सारी चीज़ों को कोल्या खिड़की से देख लेता है, और इससे उनका दिल टूट जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद अन्या और झेन्या ने अपने रिलेशनशिप के बारे में बात करना शुरू करते हैं। तब वो कहती है कि मैं अपनी फीलिंग्स कभी नहीं शेयर करूँगी। ये सुनकर झेन्या हैरान हो जाता है और अपना कपड़ा पहनकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद अन्या और उसकी माँ के साथ अपने सौतेले पिता के बारे में झगड़ा होता है, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। और बाद में वो नताशा के घर आती है, जहाँ नताशा पार्टी दे रही होती है, और अन्या अपने दोस्त से मिलने की कोशिश करती है ताकि वो उसे सब कुछ बता सके। जब वो नताशा से मिलती है वो सीधा छत पर बात करने जाते हैं, जहाँ वो अन्या को झेन्या को फिर से मिलने के लिए डांटती है। जब कर रहे थे तब एक आदमी उसे एक बोंक देता है, लेकिन अन्या ने वो सही से पकड़ नहीं पाती है और ये उसके हाथों से निकलकर नीचे एक पुलिस कार पर गिर जाती है, और ये नताशा के लिए परेशानी का कारण बनता है और उसे पुलिस अधिकारी को रिश्वत देनी पड़ती है, और वो अन्या को पार्टी बर्बाद करने के लिए वो फिर से डांटती है। अब अन्या गिल्टी महसूस करती है और वहाँ से चली जाती है। बाद में वो कोल्या को ढूंढने जाती है। एक लेक के पास कोल्या मिलता है, तब वो उसे बताती है कि उसके पास कहीं भी जाने के लिए कोई नहीं है। तब कोल्या बताता है उसे झेन्या के पास वापस जाना चाहिए। हालांकि अन्या उसे समझाने की कोशिश करती है कि क्या हुआ, लेकिन वो ये सारे नहीं सुनना चाहता है, और वो उसे बताता है कि उसने एक दोस्त खो दिया है, और वो अन्या को छोड़ देता है। अब अन्या को अकेला महसूस होने लगती है। बाद में वो घर जा रही होती है, तब एक मोटरसाइकिल वाले कुछ लोग उसे परेशान करना शुरू कर देते हैं, इसलिए वो उनसे दूर भागने की कोशिश करती है और गेहूं के खेत में चली जाती है, और वही नीचे गिर जाती है और खेत के बीच में सो जाती है। अगली सुबह कुछ गेहूं काटने वाली मशीनें खेत में अपना रास्ता बना रहा है। जब अन्या के सौतेले पिता ने देखा कि वहां कोई सो रहा है तो वो मशीन से बाहर कूदता है और आखिरी मिनट में अन्या को बचाता है, और वो उसके बारे में बात करना शुरू करता है और पता करने की कोशिश करता है कि उसके साथ क्या हुआ था। ये सारा देखने के बाद अन्या को पता चलता है कि वो इतना बुरा नहीं है जितना वो सोचती थी, और वो उसे अपने रिश्तों को ठीक करने की सलाह देता है ताकि वो अपने जीवन में खुश रह सके। और अपने पिता की सलाह के बाद अन्या नताशा के घर जाती है, जहां वो अपनी पार्टी को बर्बाद करने और लगभग उसे गिरफ्तार करने के लिए माफ़ी मांगती है, और नताशा भी लंबे समय तक उस पर गुस्सा नहीं रह सकती, और वो दोनों सही हो जाते हैं। और बाद में वो अपनी माँ के घर जाती है और वो अपने परिवार के साथ सुधार कर रहना शुरू करती है। और बाद में उसके पिता ने उससे कहता है
वो जो चाहे वो करेगा। तब वो पूछती है कि एक मैराथन है और वो उसमें अटेंड करना चाहती है। बाद में जब वो मैराथन में जाती है तब अन्या हर जगह कोल्या की तलाश शुरू कर देती है। जब वो कोल्या को देखती है तब कोल्या लोगों को पानी की बोतल दे रहा होता है। इसे देखकर अन्या उसके पास आती है और बोतल को तप्पड़ मारती है और बाद में सारा प्रॉब्लम्स के लिए माफी मांगती है। और वो आगे कहती है कि उन्होंने ही उन्हें खुद से प्यार करना सिखाया है, इसलिए वो मैराथन में हार नहीं मान सकते। और वो उसे फिर से मैराथन में शामिल होने के लिए मोटिवेट करती है। और फाइनली अन्या ने अपना जीवन को ट्रैक पर ला दिया है और उसने अपने दोस्तों के साथ अपना रिश्ता तय कर लिया है और अपने पिता के साथ फिर से जुड़ गई है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कोल्या से मिली है और कोल्या ने मैराथन जीतने पर अन्या को किस करता है। और फिल्म यही खत्म होती है।